हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका साई आर्ट से आज का मेरा वीडियो सीडी आर्ट को लेकर है। और ये मैंने एक वाइट पेपर पे एक फिगर ड्रॉ कर ली है जो मुझे करना है आज के वीडियो के लिए। तो ये मैंने एक पिकॉक ड्रॉ किया है और ये हमें इजी हो जाएगा सीडी यूज़ करने के लिए। अब हम सीडी को लेंगे और इस तरह से हम जब इससे सीजर से कट लगाएंगे तो देखेंगे कि क्रैक हो जाती है। तो इसमें क्या होती है, दो लेयर होती हैं, तो हम इसमें एक लेयर को बीच से पकड़ के और जब हम अलग करेंगे तो एक लेयर अलग हो जाएगी। तो आगे जब हम सीडी यूज़ करेंगे ना तो हमें कट करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि इतने मोटे पार्ट को कट करने में, इतनी मोटी सीडी कट करने में थोड़ा मुश्किल होता है। अब ये हमारे पास जितना भी शाइनिंग पार्ट आएगा ना अलग करने में सीडी को, तो उसको जैसे मैंने वाइट फिगर ड्रॉ की थी उसको मैंने कट करके निकाल लिया सारे पार्ट को, और उसको उस पर रख के सीडी पर मार्कर से निशान लगा के और कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया है पिकॉक की फिगर। अब इसमें से ये सीडी में से कुछ पन्नी निकाल लेंगे, पन्नी निकल आती है इजी से, और इसको मैंने निकाल के, पन्नी को निकाल के छोटा सा पीस लिया है आई के लिए। मैं इसकी आई बनाने वाली हूँ इसमें पिकॉक की, थोड़ी उभरी भी आएगी, अच्छी सी लगेगी। और इसमें मार्कर से मैं एक ब्लैक डॉट डाल के और इसको क्यू फिक्स से पेस्ट कर दूंगी मैं ऊपर की तरफ, तो क्या होगा ये अच्छी सी, हाँ, आई का लुक आ गया है पूरा, क्यू फिक्स से पेस्ट कर दूंगी, ये हो गया। इसी तरह से मैं पिकॉक के दूसरे पार्ट भी ड्रॉ करके सीढ़ी पर और उसको कट कर लूँगी। तो ये मैंने सारे पार्ट को ड्रॉ कर लिया है और इनको सबको मैं कट करके निकाल लूँगी, और ये मेरे सारे पार्ट कट हो गए हैं। अब मैं इनको पेस्ट करूँगी। तो ये पेस्ट करने के लिए मैंने ये हार्डबोर्ड लिया है, मेरे पास हार्डबोर्ड रखा हुआ था तो मैंने उसको ब्लैक फैब्रिक कलर कर लिया है। और लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अगर आपके पास हार्डबोर्ड नहीं है और गत्ता है तो आप गत्ते पे भी आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हो, गत्ते को कलर कर लो। ब्लैक इसलिए किया है क्योंकि ब्लैक पे वो अच्छे से शाइन दे रहा है, सीडी के कलर सारे उभर के आ रहे हैं। तो मैंने इस पे ये रख के देखा है, मैंने अभी कुछ भी पेस्ट नहीं किया, पेस्ट सारा मैं आपके सामने ही कर रही हूँ। मैंने ये सारे पार्ट्स को पिकॉक के रख के देखा था दो तीन तरह से कि किस तरह से पंख अच्छे लगेंगे, और जिस तरह से ये अच्छा लगा मुझे तो मैं अब उसी पार्ट को वहाँ से उठा के और साथ साथ में क्यू फिक्स से सारा पेस्ट कर दूँगी। तो आज का वीडियो मेरा सीडी आर्ट को लेकर था। सीडी अपने आप में बहुत सुंदर सा कलर देती है, देखो कितने अच्छे कलर आ रहे हैं इसमें, शाइनिंग कलर। तो इससे हम कुछ भी सीन बना सकते हैं, सीडी सबके पास घरों में होती हैं आजकल, तो हम इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट्स करना, और जिन भी फ्रेंड्स ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उन सबका बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नए नए वीडियो आपको देखने को मिले। और ये इस तरह से मेरा पिकॉक भी कंप्लीट होता जा रहा है, मैं उसी पे कर रही हूँ, लगा रही हूँ। और ये मेरा आज का सीडी आर्ट को लेकर मेरा पिकॉक कंप्लीट हो गया है, और ये आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।